हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो अब घबराने और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लेकर आए हैं एक ऐसा पिटारा जिस पिटारे में आप सभी के लिए बहुत कुछ है। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं या फिर SSC की तैयारी करते हैं, बैंक, PO या फिर किसी भी अन्य ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप आइए हमारे चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, नए नए वीडियोज़ मिलेंगे, चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा। ये सभी चीज़ें आप हमारे चैनल पे आएंगे, आपको ये चीज़ें उपलब्ध होगी और आप हमारे साथ तैयारी करें। तो चलो दोस्तों, आज से ही शुरू करते हैं हम तैयारी। आज सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ये ऐसा चीज़ है कि हर एक एग्ज़ाम में आपको टाइम सेव करता है। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, दो डिजिट वाले, जो आप यूँ ही कर लेंगे, चुटकी बजाते ही आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे कहते हैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, जैसे हम कहते हैं 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आएगा, जैसे हम एक और लेते हैं 95 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पर हम ऐसे दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो 5 से एंड करता हो और सेम डिजिट हो। तो हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन हम यूँ ही चुटकी बजाते ही कर ले सकते हैं, इसे कुछ करना नहीं है। इसको ऐसे देखें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यूनिट प्लेस के डिजिट को आप आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 5 5 25, और क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 में आप इस 2 को ही ऐड करें तो 2 2 4, उसमें 2 ऐड करते हैं तो 6 आएगा, 6 2 5। इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे करना है, ऐसे दो डिजिट जो 5 से एंड होता हो, सेम डिजिट हो, इसका मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे करें। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, उसमें 3 को ऐड करें तो 12, 2 2 1 2 2 5, यानी 1225 आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे एक और देखते हैं, 95 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, और फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81, उसमें आप 9 को ऐड करें तो 81 में 9 ऐड करेंगे, 9025। यानी आप किसी भी दो डिजिट के नंबर जो 5 से एंड करता हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तीन डिजिट में भी हो सकता है, जैसे 105 को 105 से मल्टीप्लाई करें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, और इसमें 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में 10 ऐड करते हैं तो 110025। तो ये निर्भर करता है कि आप दो डिजिट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर पाते हैं या नहीं। ये भी हम आगे आपको बताएंगे कि दो डिजिट के नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे डिजिट कुछ भी हो। आइए अब देखते हैं एक दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन। दो अलग अलग डिजिट लेते हैं हम, जैसे एक 35 लेते हैं, एक 25 लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी 5 से एंड हो रहा है और इसके बीच में 10 का गैप है। जैसे हम कहते हैं 45 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से एंड हो रहा है, 10 का गैप है इसके बीच में। एक और लेते हैं, जैसे 65 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का गैप इसके बीच में भी। ऐसे दो डिजिट जो 5 से एंड होता हो और 10 का गैप हो, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो चलें आए सीखते हैं इसको। इसमें क्या करना है, ये ट्रिक है, आप इसमें ऐसे देखना है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 75 लिखेंगे। कब ये बात, ये चीज़ें तब करनी है जब 10 का गैप हो। गैप कितने का हो, 10 का गैप हो दो नंबर के बीच में और 5 से एंड होता हो, तब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 75 लिखना है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, उसमें ये छोटी संख्या ऐड कर देना है तो 3 2 जा 6, उसमें 2 ऐड करें तो 8 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 45 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का गैप है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 75 लिखेंगे, इसको 25 न लिख करके 75 लिखेंगे। कब, जब 10 का गैप हो। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, उसमें ये छोटी संख्या ऐड करना है तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो ये 15। इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 45 को 35 से तो
ऐसे ही 1575 बनेगा। एक और देखते हैं, 65 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो 55 जो यहाँ पे 75 लिखें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 65 जा 30, उसमें ये छोटी संख्या 5 ऐड करने हैं तो ये आ जाएगा 35। तो इस तरह से आप कोई भी दो डिजिट का नंबर जो 5 से एंड होता हो और दोनों नंबर के बीच में 10 का गैप हो तो आप उसको बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके 75 लिखना है, टेंथ प्लेस पे दोनों डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उसमें छोटी संख्या को ऐड करें और ये नंबर बन जाता है ऐसे 875। जैसे 35 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो, जैसे 45 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 1575, और 65 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो 3575 बनता है। चलो और एक तरह का मल्टीप्लीकेशन और देखते हैं, जैसे 45 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम देखते हैं 65 को 45 से मल्टीप्लाई करना है और जैसे हम देखते हैं 75 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के नंबर देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर 5 से एंड हो रहा है, अब बीच में 20 का गैप है, 45, 25, 20 का गैप है, 65, 45 इसमें भी 20 का गैप है, 75, 55 इसमें भी 20 का गैप है। जब दो ऐसे नंबर जो 5 से एंड करता हो और 20 का गैप हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपस में, जो विद इन सेकेंड आप इसको ये कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर 25 लिखना है और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जाए 8, और छोटे डिजिट में 1 ऐड करके उसमें ऐड कर देना है, यानी 4 2 जाए 8 उसमें 3 ऐड करना है। यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट 2 है, 2 में 1 पहले ऐड कर लें तो 3, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, 11 2 5 यानी 1125 1125 बनेगा। जैसे हम कहते हैं 65 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, उसमें 5 ऐड करना है, यानी सबसे छोटी संख्या है 4, यहाँ पे 4 में पहले 1 ऐड कर लें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड करना है, 6 4 जा 24, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 24 में 5 ऐड करते हैं तो 29, तो 2925 बनेगा। जैसे हम इसको कहते हैं, एक और एग्जांपल में देखें समझें, 75 को 55 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फिर 25 लिखेंगे, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा 35, उसमें 6 ऐड करना है तो 35 में 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 41, 4125। यानी दो डिजिट के ऐसे नंबर जो 5 से एंड करता हो और बीच में 20 का गैप हो, यदि 20 का गैप हो तो आप पहले क्या करें, 55 को आपस में मल्टीप्लाई करके 25 लिखें और टेंथ प्लेस के डिजिट जो हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करें और उसमें छोटी संख्या में 1 ऐड करके उसमें ऐड कर दें, यानी कहने का मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, उसमें 3 ऐड करेंगे, छोटी संख्या यहाँ पे 3 है उसमें 1 ऐड करें पहले तो 4 2 जा 8, उसमें 3 ऐड करें तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 बनता है। तो इस तरह से आप कोई भी दो डिजिट के नंबर, तो हमने पहले देखा कि दो डिजिट जो सेम थे 5 से एंड करता था उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दो डिजिट का नंबर जिसमें 10 का गैप हो उसको देखा आपने, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और दो डिजिट का ये नंबर जिसमें 20 का गैप हो तो उसको कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आपने देखा। ये ट्रिक है, इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करने से ही ये आपका अपना बनेगा, नहीं तो अन्यथा ये मेरा ही बनकर रह जाएगा। आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करें और विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप इसको लिख सकते हैं, जब तक कोई नंबर लिखें देखें तब तक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में आपको इस तरह से कई सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको देते रहेंगे, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें अपने घर पे बैठ के, और मेरे साथ जुड़ें, हम आपको आने वाले समय में नए नए वीडियो इस तरह से देते रहेंगे।